हिंदी पाठ एक गीत खुशी के। बच्चों, प्रतिदिन नई खोज करना और नई जगहों तक पहुंचने की कोशिश करना मानव का स्वभाव है। इसी कड़ी में चंद्रमा पर तो अब तक कई देशों के अंतरिक्ष यात्री पहुंच चुके हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक भारतीय बालक के मंगल ग्रह में जाने की कल्पना की है। वह बालक मंगल ग्रह पर पहुंचकर भारत का तिरंगा फहराना चाहता है। वह और क्या क्या करना चाहता है, आओ कविता के माध्यम से पढ़ें। सबसे पहले तो आप ये जाने कठिन शब्द, तब तक आपको शब्दों का अर्थ नहीं हुआ तो अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, नव आकाश, शुष्क सूखी वीरान निर्जन सुनसान, उज्ज्वल साफ रेगिस्तानी मिट्टी भुरभुरी मिट्टी, लुभावनी अच्छी लगना, नव नई पृथ्वीवासी पृथ्वी पर रहने वाले लोग, हिम बर्फ रहस्य राज मुख चेहरा ध्वज झंडा। आओ कविता पढ़ें। मानव देखो बुला रहा है, एक बालक अपनी माँ से कह रहा है, देखो माँ मुझे आकाश बुला रहा है, मैं मंगल ग्रह जाऊंगा, माँ मैं मंगल ग्रह पर जाऊंगा, मैं मंगल ग्रह पर जाना चाहता हूँ, शटल यान से उतर वहाँ पर खुशी के गीत गाऊंगा, शटल यान से उतर वहाँ पर गीत खुशी के गाऊंगा। शटल यान मतलब जिस अंतरिक्ष में बैठकर मैं जाऊंगा वहाँ से उतरकर खुशी के गीत गाऊंगा। शुष्क और वीरान भूमि पर, सूखी और सुनसान भूमि पर, उज्ज्वल हिम ना पानी है, जहाँ पर या तो बर्फ है और ना पानी है, वहाँ ना वर्षा नदियाँ झरने मिट्टी रेगिस्तानी है, वहाँ पर ना तो वर्षा है ना नदी है ना झरने है और वहाँ की भूमि जो है भुरभुरी है रेगिस्तानी है। दिन के घंटे हैं 24 माँ, जिस तरह से पृथ्वी पर दिन के घंटे 24 है उसी प्रकार वहाँ पर भी दिन के घंटे 24 है, वहाँ न जल की धाराएँ हैं, वहाँ पर जल की धाराएँ नहीं है, कहाँ पर मंगल ग्रह पर है लुभावनी धरती, उसकी धरती जो है मन को अच्छी लगने वाली है, नव जीवन की आशाएँ जो कि हमारे नए जीवन को स्थापित करना चाहता हूँ उसमें सहायक है। अब आओ एक बार कविता पढ़े। मानव देखो बुला रहा है, मैं मंगल ग्रह को जाऊंगा, शटल यान से उतर वहां पर गीत खुशी खुशी के गाऊंगा, सूर्य और वीरान भूमि पर उज्ज्वल हिमना पानी है, वहां ना वर्षा नदियां झरने मिट्टी रेगिस्तानी है, दिन के घंटे हैं 24 वहां ना जल की धारा है लुभावनी धरती उसकी नव जीवन की आशाएं। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे, वहां पहुंचकर सुंदर सागर अपना एक बनाऊंगा, इसका अर्थ देखिए, बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मैं दोबारा से वहां पहुंचकर अपना एक मंगल ग्रह पर सुंदर सागर बनाऊंगा, धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह पर आएंगे, धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह आए जाएंगे, यानी कि मुझे देखकर लोगों को लगेगा कि मंगल ग्रह पर तो लोगों ने बहुत अच्छे सुंदर घर बना लिए हैं तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए, तो धरती के लोग मुझे देखकर भी यहाँ पर आएंगे और जाएंगे, छिपे रहे सौर मंडल के नई खोज कर पाएंगे, जो भी रहस्य है सौर मंडल में छिपे हुए उनकी हम खोज कर पाएंगे, हरे भरे हंसते फूलों के पौधे वहाँ लगाएंगे, वहाँ पर मंगल ग्रह पर कोई भी पौधा नहीं है तो मैं वहाँ पर हरे भरे हंसते खेलते हुए पौधे वहाँ लगाऊंगा, हम पड़ोसियों के
के मुख से मंगल रिटर्न कहलाएंगे, और जब हम मंगल ग्रह से मैं लौट कर आऊँगा तो पड़ोसियों के मुख से मंगल ग्रह रिटर्न कहलाऊंगा। लोकलाज में जा जाकर मैं अपना ध्वज फहराऊंगा और मैं खुशी खुशी दूसरों ग्रह की दुनिया पे जाकर अपना भारत का ध्वज फहराऊंगा। तो बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़िए, याद करिए और सब करिए।